मंचूरियन बनाने के लिए मैंने यहाँ पे आधा कैबेज ले लिया है। मैं थोड़ा सा ज़्यादा क्वांटिटी में बनाऊंगी, तो ये थोड़ा सा बड़ा साइज़ का कैबेज का हाफ है। और गाजर मैंने यहाँ पे 5-6 गाजर ले लिया है, और एक बड़ा साइज़ का कैप्सिकम ले लिया है, और एक प्याज ले लिया है बड़ा साइज़ का, और 2 हरी मिर्च और थोड़ा सा लहसुन ले लिया है। तो इन सारे चीज़ों को मैं चॉपर में चॉप कर लूँगी। तो आप देख सकते हैं मैंने सारे सब्जियों को चॉपर में चॉप कर लिया है। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप कद्दूकस से कद्दूकस भी कर सकते हैं। चॉपर में मैं 2 पीस ब्रेड को भी चॉप कर लूंगी और ब्रेड को भी मैं इसमें मिला दूंगी। अब इसमें मैं डालूंगी स्वाद अनुसार नमक और आधा टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। इसमें ऐड कर दूंगी 4 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर, 4 टेबल स्पून मैदा, और बिना पानी के इसको हमें मिलाना है। पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है। जरूरत पड़ने से थोड़ा और ऐड करेंगे, पर पानी इसमें बिल्कुल भी नहीं जाएगा। ये थोड़ी देर में पूरा अच्छे से बाइंड हो जाएगा। और इसमें ब्रेड जरूर डालिए, ब्रेड डालने से बहुत ही अच्छा सॉफ्ट और फ्लॉपी बनेगा। नहीं तो सिर्फ आटा, सिर्फ मैदा और जो कॉर्नफ्लावर है उससे थोड़ा सा टाइट बन जाता है, पर ब्रेड इसमें जरूर यूज़ कीजिए। ज़रूरत पड़ने से थोड़ा सा मैं इसमें और मैदा का ऐड करूँगी, पर पहले अच्छे से मिक्स करने के बाद देखना पड़ेगा कि ये अच्छे से बाइंड हो रहा है कि नहीं। मैंने 1 टेबल स्पून मैदा और 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर और एक्स्ट्रा इसमें ऐड किया है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा बाइंडिंग कम लग रहे हैं। पर ज़्यादा बिल्कुल भी ऐड मत करिएगा, थोड़ा सा चेक करते हुए इसमें ऐड करना होता है कॉर्नफ्लावर और मैदा, तभी ये बहुत अच्छा बनेगा, नहीं तो बहुत सख्त बन जाएगा। ऐसे आपको देखना पड़ेगा कि ये अच्छे से बाइंड हो रहा है कि नहीं। कढ़ाई में मैंने तेल डाल दिया है और अच्छे से तेल गर्म हो चुका है, तो मैं एक एक करके मंचूरियन के बॉल्स को तल लूँगी। तेल जब खूब अच्छे से गर्म हो जाए तभी हमें बॉल्स को तलने के लिए छोड़ना है। एक साइड अच्छे से पक जाने के बाद तभी हमें इसे पलटना है। तो आप देख सकते हैं अच्छे से ये गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, तो अब मैं इन सारे बॉल्स को निकाल लूंगी। तो सेकंड बैच का भी मेरा पूरा अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, तो इनको भी मैं निकाल लूंगी। और ऐसे सारे मंचूरियन में पहले तल लूंगी। ये मैंने सारे मंचूरियन तल लिया है। अब कढ़ाई मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है और इसमें मैं तेल ऐड कर दूंगी। व्हाइट ऑयल से मैं बना रही हूँ, सनफ्लावर ऑयल से। एक बड़ा साइज के प्याज को मैंने चॉप कर लिया है और तेल गर्म हो चुका है, प्याज को मैं पहले इसमें डाल दूंगी। प्याज हल्का सा भून गए हैं, तो मैं इसमें 1.5 टेबल स्पून लहसुन चॉप किया हुआ ऐड कर दिया। प्याज लहसुन हल्का सा भून चुका है, इसमें मैं चॉप किया हुआ 1 कैप्सिकम ऐड कर दूंगी और 2 छोटा साइज का गाजर को मैंने चॉप कर लिया है, इसे भी मैं ऐड कर दूंगी। और सारे चीजों को मैं हल्का सा फ्राई कर दूंगी। सब्जी जब तक भून रहे हैं तब तक मैंने एक ग्लास में 1.5 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर ले लिया है, इसको मैं थोड़ा सा पानी के साथ घोल लिया है। सब्जी अब हल्का सा फ्राई हो चुका है, तो इसमें मैं 2 टेबल स्पून सोया सॉस ऐड कर दूंगी और स्वाद अनुसार नमक ऐड कर दूंगी और लाल मिर्च पाउडर मैं आधा टीस्पून इसमें ऐड कर दूंगी। सारे चीजों को थोड़ा सा हाई हीट पे पका लूंगी और इसमें मैं 1 टेबल स्पून टोमेटो केचप ऐड कर दूंगी। मैंने थोड़ा सा और सोया सॉस ऐड कर दिया है, मुझे थोड़ा सा ज्यादा सोया सॉस के साथ अच्छा लगता है, तो इसीलिए मैंने 3 टेबल स्पून करीबन सोया सॉस ऐड किया है और इसमें मैं ये जो कॉर्नफ्लावर का घोल है ये डाल दूंगी।
और थोड़ा सा पानी ऐड कर दूंगी। और इसमें मैं ये सारे मंचूरियन ऐड कर दूंगी और इसे मिला लूंगी। तो ये मेरा मंचूरियन बिल्कुल रेडी है। इसके ऊपर से मैं थोड़ा सा स्प्रिंग अनियन ऊपर से डाल दूंगी और इसको थोड़ा मिक्स करके और गैस बंद कर दूंगी। तो मंचूरियन बिल्कुल रेडी टू सर्व है। गरम गरम चाउमीन हो, चाहे नूडल्स हो, चाहे इसे सिर्फ एज ए स्टार्टर के तौर पे भी इस मंचूरियन को आप सर्व कर सकते हैं। आज की रेसिपी आप लोग को कैसे लगा जरूर कमेंट कीजिएगा। पसंद आने पे लाइक देना मत भूलिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन आएगा उसको ऑल के साथ दबा दीजिएगा तो मैं जो वीडियोस अपलोड करूंगी आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा तो आप उसे देख पाएंगे। इसी के साथ ही साथ मैं नूडल्स का रेसिपी भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी। आप चाहे तो नूडल्स देख के बना सकते हैं और इसी के साथ नूडल्स बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो चलिए मिलते हैं कोई नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।